रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी मेरा यूट्यूब चैनल और अगर आप फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फ़ेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें बड़ी ही अहम ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में गुजरात की जो एस है एक एजेंसी है वहाँ की आप खुफिया एजेंसी भी कह सकते हैं एक ला एंड एनफोर्समेंट एजेंसी भी आप कह सकते हैं ए एंटी टेरर स्कॉट इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से ये लोग वहाँ पर काम करते हैं उन्होंने एक शख्स को गुजरात के एक छोटे से गांव तारापुर से गिरफ़्तार किया है और उस शख़्स का नाम बताया जाता है लाभ शंकर महेश्वरी महेश्वरी के नाम से वो मशहूर है तिरपन साल उनकी उम्र है और उस शख़्स पर ये इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के साथ रबते में था और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उनको खुफिया तौर पर हिंदुस्तान के मुतालिक हिंदुस्तानी फ़ौज के मुतालिक मालूम फराहम करता था ये एक बड़ी ही सनसनी खेज किस्म का इंकशाफ हुआ है यह अलबत् उनके ऊपर फ़िलहाल इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ लाभ शंकर महेश्वरी इनका मुकम्मल नाम है तिरपन साल इनकी उम्र है उन्नीस सौ नन्ानवे में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्ल कुछ अरसे के लिए बहाल हुए थे वाजपेयी और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो दोस्ती कर चुकी थी एक दफ़ा हमने देखा कि ट्रेन भी चल पड़ी थी तो उस दौरान लाभ शंकर महेश्वरी जो सुबह सिंध के रहने वाले थे और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे पाकिस्तानी थे 1999 में वो अपनी बीवी के इलाज के गर्ज से वाजपाई के दौर में नवाज़ शरीफ के दौर में पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए थे मल्टीपल वीज़ा के ऊपर उस दौर में जो लोग इलाज के ग़र्ज से जाते थे हिंदुस्तान उनको वहाँ पर मल्टीपल वीज़ा दिया जाता था तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए हिंदुस्तान के शहर गुजरात में वो कुछ अरसे तक रहे अपनी बीवी का वो इलाज करवाते रहे लेकिन वो इलाज में कामयाबी नहीं मिल सकी खैर इसी दौरान वो हिंदुस्तान ही रहे वो पाकिस्तान वापस नहीं आए 2006 में उन्होंने एक इंडियन दोस्त के जरिए एक इंडियन रिश्तेदार के जरिए उन्होंने जनाब हिंदुस्तान की जो नेशनलिटी है वो वहाँ पर हासिल कर दी ये इनको एक अहम तरीन कामयाबी वहाँ पर मिली और वो हिंदुस्तान के ही होकर रह गए जिस खानदान से इनका ताल्लुक़ है वो राठी खानदान बताया जाता है और राठी खानदान हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में कायम है दोनों जगह पर रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के सुबह सिंध में और गुजरात के जो तारापुर गांव में राठी ख़ानदान है वो वहाँ पर रहते हैं तो ये खानदान राठी खानदान ये भी आपने जहन रखना है दोनों तरफ जो है ख़ानदान तकसीम है और इन ख़ानदान के लोग आपस में रबते में रहते हैं खैर 1999 में ये हिंदुस्तान गए और 2006 में उनको वहाँ पर नेशनलिटी मिलती है और उसके बाद वो वहाँ पर रह जाते हैं और देखते ही देखते वो वहाँ पर एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाते हैं कुछ दुकानें बना लेते हैं कुछ इमारतें खड़ी कर देते हैं कुछ मकान तक बना लेते हैं जो आम इंडियन शहरी के लिए ये सब कुछ बनाना इतने कम अरसे में मुमकिन नहीं होता और उसका किराया उनको आता रहता है दो में उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा लेने की कोशिश की लेकिन उनको वीज़ा नहीं दिया गया उन्होंने रिक्वेस्ट ये डाली हुई थी कि मैंने वहाँ पर अपनी माँ के साथ मुलाकात करनी और अपनी माँ का इलाज करवाना है साथ में अपनी जायदाद को फ़रोख करना है अलबत् उनका एक कज़न जो पाकिस्तान में मौजूद था उन्होंने आ, कुछ उनकी हेल्प की स्पॉन्सर किया और 2022 में वो छः हफ्तों के लिए पाकिस्तान आते हैं पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी भी फ़रोख करते हैं अपनी वालदा का इलाज भी करते हैं और इंडियन एजेंसीज़ की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है ये इंडिया को इंडिया की जो एजेंसी है एंटी टेररिस्ट स्कॉड इन्होंने जो कार्रवाई की है वो खुफिया एजेंसी जो इंडिया की मिलिट्री इंडियन मिलिट्री जिसको कहा जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनकी खुफ़िया मालूम की बुनियाद पर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी कि ये शख्स छः हफ्ते जो पाकिस्तान में रहा उस दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ इसकी मुलाकातें होती रही हैं ये इस शख्स के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है अलबा ये इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ दूसरा इल्ज़ाम जैसे ही ये जैसे हफ्ते पूरे होते हैं पाकिस्तान में क़्याम के दौरान तो ये वापस हिंदुस्तान जाता है और उसके बाद 2023 के जून जुलाई में इंटेलिजेंस को ये यहलात इंडियन इंटेलिजेंस को अतलात मिलती है और इन अतलात की बुनियाद पर एंटी टेररिस्ट टेर्रिसकॉर्ड इस शख्स को महेश्वरी साहब को जिनकी उम्र तिरपन साल है गुजरात तारापुर गांव में रहते हैं वही के नेशनल हो चुके हैं लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान में सुबह सिंध के रहने वाले एक हिंदू शहरी थे उनको गिरफ़्तार किया जाता है वो इस वक्त एजेंसीज़ की हिरासत में है और उनसे मज़ीद तफ्तीश का जो अमल है वो इस वक्त जारी है अभी तक उनके ऊपर दो ही इल्ज़ाम है नंबर वन ये कि वो हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आते हैं अपनी माँ के इलाज के लिए प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए इस दौरान वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ है उनके साथ राबे में थे दूसरा इल्ज़ाम ये है कि वो हिंदुस्तान से कुछ सिम कार्ड्स और कुछ इंफॉर्मेशन इंडियन फ़ौज के मतलब वो यहाँ से मुंतकिल करके पाकिस्तान ले गए उन्होंने पाकिस्तान की जो अफवाज है पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ है उनके हवाले की है आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं क्या ये वही प्रोपेगेंडा है जो आमतर आम तौर आम पर इंडियन मीडिया में किया जाता है और इसके ऊपर काफ़ी रेटिंग आती है या इसमें किसी किस्म की कोई शदाकत है अलबतः बी बी सी न्यूज़ ने इस खबर को रिपोर्ट किया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें फेसबुक पे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़